उत्तर प्रदेश में बढ़ते दलित उत्पीड़न और ध्वस्त कानून की व्यवस्था के संबंध में आम आदमी पार्टी कन्नौज के जिला अध्यक्ष प्रेम यादव और सदस्यों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किए गए हैं। वहीं रायबरेली के लालगंज के रिक्शा चालक एक युवक को पुलिस द्वारा थाने में ले जाकर पीट पीट कर निर्मम हत्या किए जाने के चलते उत्पीड़न के मामले को लेकर इस कांड से संबंधित सभी पुलिसकर्मी व अधीक्षक रायबरेली को निलंबित करने की मांग की गई है। साथ ही मृतक के परिवारजन को मुआवजा दिलाने की भी मांग की गई है। पीड़न हो रहा है जो आज उत्तर प्रदेश में, उससे संबंधित ज्ञापन देने के लिए मैं आया हूँ। प्रेम यादव मेरा नाम है, मैं आम आदमी पार्टी कन्नौज से हूँ और इसी से संबंधित मैंने ज्ञापन दिया है माननीय श्री राष्ट्रपति महोदय जी को, डीएम साहब के थ्रू, और उन्होंने मेरा ज्ञापन स्वीकार कर लिया है और आश्वासन दिया है। जिला कांग्रेस कार्यालय कन्नौज में राजीव गांधी जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष विजय मिश्रा ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अब की बार ये प्रतियोगिता की परीक्षा दिनांक 13 व 14 तारीख को बच्चों को ऑनलाइन घर पर ही रखी गई है। परीक्षा का समय 30 मिनट रहेगा और बच्चों को 30 मिनट में 60 सवालों का उत्तर ऑनलाइन घर से ही देना पड़ेगा। आगे उन्होंने बताया कि सफल हुए विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय और कई सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी के स्मृति में मैं हूँ युवा और मेरा भी एक सपना है सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू संघर्षशील अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार जी लल्लू जी एवं हमारी प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर ये दूसरी बार, एक बार पहले भी पिछले साल हुई थी ये परीक्षा और इसमें जो है 13-14 सितंबर को, मतलब तिथि 13 होगी या 14 ये अभी मतलब निश्चित नहीं है, लेकिन दो मतलब डेट दी गई है ऊपर से 13 या 14 तारीख में ये परीक्षा होगी और इसकी टाइम 3 से 7 शाम को रखा गया है। जो बच्चा प्रथम आएगा, फर्स्ट आएगा, उसको लैपटॉप दिया जाएगा, दूसरे को टैबलेट दिया जाएगा और तीसरे को मोबाइल दिया जाएगा और बाकी सैकड़ों सांत्वना पुरस्कार मतलब घड़ी हो सकते हैं जो भी मतलब ऊपर से आएगा वो दिया जाएगा। साथ में सभी बच्चे जो भी उस परीक्षा में भाग लेंगे उनको प्रमाण पत्र भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी मतलब देगी। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में बच्चों को कैसे, ऑनलाइन परीक्षा है और इसमें कोई भी फॉर्म की मतलब कहीं जाके भरवाने का किसी तरीके से कोई वो नहीं है। ये एक आप देख रहे हैं वेबसाइट दी गई www.yuvajosh.in, इस पर जो है बच्चे मतलब ऑनलाइन अपने घर में बैठ के इसको कर सकते हैं और वहीं से वो परीक्षा जो है वो मतलब देंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा फिर हम लोग उसको देखेंगे इस कोरोना महामारी में कैसे हमको उनके घर पुरस्कार देना है या फुटकर में कहीं इकट्ठा करके उनको दे सकते हैं, उस तरीके का वो विचार हम लोगों का आगे प्लान करके हम लोग करेंगे। अभी परीक्षा उनको घर बैठ के देंगे और ये एक वेबसाइट जो आपको हमने अभी बताया भी था ये दी गई है www.yuvajosh.in पर। हमारे अन्य साथी हमारे जिला अध्यक्ष प्रमोद शाक्य जी और युवा जिला अध्यक्ष मुशीर खान जी, एहसानुल भाई, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे फैसल जी, जिला महासचिव कांग्रेस इमरान जी, असगर जी और हमारे जिला प्रवक्ता अरविंद दुबे जी, ये सब इस पूरी जो ये परीक्षा होगी इस टीम के सदस्य हैं। ये समय समय पर मॉनिटरिंग भी करेंगे कि कैसे हम लोग जो इस परीक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा इस कोरोना महामारी में लोगों को जागरूक करके सफल बनाना। कन्नौज से केकेडी न्यूज संवाददाता राजेंद्र कश्यप के साथ दिलीप कुमार की रिपोर्ट।